और नज़ारे देखो यहाँ से कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं और पेड़ पौधे। ये दोस्तों देलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है भैया ये, और यहाँ पे छोटा सा एक मार्केट भी है, ये देख लो। एक दोस्तों मैंने पिछले 3 दिन से आपको ये द्वार ज़रूर बताया होगा, तो अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये, सोमनाथ महादेव मंदिर है। तो ये है भैया यहाँ का माउंट आबू का तिब्बती मार्केट, छोटा सा ही है। ऐसे घूमेंगे ना आप, ये देखो साथ साथ में घूम रहा है अभी जस्ट अपने सामने। ये देखो दोस्तों ये तिब्बती मार्केट, और इसके सामने ही एक ये आबू शॉपिंग सेंटर, आपको भी ओम बना के दर्शन करवाते हैं। देखो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंट आबू, राजस्थान का सबसे ब्यूटीफुल और बेहद ही शानदार और खूबसूरत शहर माउंट आबू और इकलौता हिल स्टेशन। ये देखो सुबह सुबह आपको है ना पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इतनी ज़बरदस्त और रिलैक्सिंग लग रही है सच में, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और कैमरे में भी इस चीज़ को जस्टिफाई करके आपको बताया नहीं जा सकता। तो दोस्तों माउंट आबू के अंदर हमारा आज 3रा दिन है और आज हमें वापस यहाँ से निकलना है, क्योंकि भैया अपन हैं जॉब वाले आदमी और उसके लिए भाई साहब अपने को छुट्टियाँ जो मिल गई है वो बहुत ही बढ़िया है, और उसमें अपन ने खूब एंजॉय करा। इस पूरे माउंट आबू को अपन ने अच्छे से एक्सप्लोर करा अच्छे से, क्योंकि अपन लेके आए थे अपनी खुद की 100 cc की बाइक और उसी से अपन ने इसको पूरा एक्सप्लोर करा। आज अपने को वापस निकलना है, निकलेंगे आराम से क्योंकि पूरा दिन पड़ा है अपने पास में। 12 से 1 बजे अपन यहाँ से निकल जाएंगे और 6 से 7 बजे लगभग पहुँच जाएंगे, आराम से जाएंगे तो भी, क्योंकि 6 से 7 घंटे का रास्ता है। और बाकी 1-2 पॉइंट यहाँ पे माउंट आबू के अंदर अपने बचे हुए हैं और वो देखेंगे, अगर मौसम अच्छा हुआ मतलब बारिश नहीं हुई तो वो अपन देखेंगे, कवर करेंगे और आपको भी बताएंगे। और बाकी रास्ते की जो खूबसूरती है उसको भी अपन रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। जब वापस नीचे उतरेंगे माउंट आबू से आबू रोड की तरफ, तो वो जो घाट सेक्शन है ना वो बहुत ही अल्टीमेट है दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट है, तो वो भी अपन कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अपने भाई को उठाते हैं, ठीक है 7:15 हो गई, इसको उठाते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं और फिर होटल चेकआउट करके अपना सामान जो है वो होटल के अंदर ही यहाँ पर रख देंगे, और फिर उसके बाद में जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो पॉइंट कवर करते हैं। ये रहा जी अपना साइड में ही होटल, और होटल के पास ही अपन ने गाड़ी रखी थी यहाँ पे। देखो भैया ने बोला था लेके तो कोई नहीं जाता, पर फिर भी अपने एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए अपने ये एक लॉक लगा ही दिया था यहाँ पे। पढ़िए चलो मिल गए अपने को, अब चलते हैं अपन बढ़िया मस्त चाय नाश्ता करके आते हैं। आज तो यार सुबह सुबह बढ़िया मस्त बारिश हो गई, तो देखो नज़ारा मस्त लग रहा है यार। टंकी दुकान नहीं दिख रही है, मतलब खुली है पर कम खुली है, क्या करें कहाँ चलें। ऐसे मौसम में और मस्त गर्मा गर्म चाय मिल गई, चाय की रेट है ना कितनी पता है, इतनी 20 रुपये हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ यहाँ पे। कोई बात भाई साहब चेकआउट करना है अभी, सामान वामान पैक करके बाहर आए और बाहर देखो ये नज़ारा यार। ऐसे में कैसे चेकआउट करके कहाँ जाएंगे यार, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, आपको मोबाइल में पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, पर क्या करें चेकआउट तो करना पड़ेगा भैया, नहीं तो अभी कोई नहीं रखेगा। अभी ये कहेंगे भैया एक्स्ट्रा दिन ले लो, जो कि हम ले नहीं सकते। नीचे चलते हैं और सामान वामान रखते हैं, फिर अपने पास तो छाता है और बढ़िया मस्त नाश्ता वास्ता करके आते हैं और फिर एक देलवाड़ा के जैन मंदिर देखने का विचार है। छाता में मौज हो रही है, छाता में भैया क्योंकि ये ना बाहर निकलते ही तो नज़ारा ये है, रुकेंगे नहीं रात, वो कहते हैं ना दिन रात बरसात रुकेगा नहीं साला। अभी चल रहे हैं बढ़िया पैदल पैदल, गाड़ी को वहीं रखा है यार, गाड़ी निकालना फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। तो अपन नाश्ता करेंगे तसल्ली से, वो भी अभी तो पता नहीं दुकान वाला भी आया कि नहीं होगा, नहीं आ गया कल आ गया था, कल इसी टाइम ठीक है। छाता में हो रही है मौज, आपको भी करनी है तो आ जाओ माउंट आबू। तो ये है भैया यहाँ का माउंट आबू का तिब्बती मार्केट, छोटा सा ही है, अपने जोधपुर में भी है पर यहाँ पे भी है, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है ये परमानेंट ही रहता है। ये है आइटम देख लो एक बार,
बस इतना सा ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी हम देखते हैं क्या क्या कुछ आइटम पसंद आते तो लेते हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये तिब्बती मार्केट और इसके सामने ही एक ये आबू शॉपिंग सेंटर, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर शायद कुछ अलग मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए जो लेने लायक हो। ये देखो जो है एक डोम में बना हुआ है छोटा सा शॉपिंग सेंटर। ये दोस्तों देलवाड़ा के जैन मंदिर, प्रसिद्ध है भैया ये। और यहाँ पे छोटा सा एक मार्केट भी है, ये देख लो। और यहाँ पे आपको देखो मोबाइल के कैमरा शुल्क जो है वो 50 रुपये लॉकर में आपको रखने पड़ते हैं अपने मोबाइल। अलाउ नहीं है अंदर, तो अपन जाते हैं मोबाइल रखते हैं और दर्शन करके आते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे है लॉकर यार। मंदिर का जो टाइम है वो 11 बजे से 5 बजे तक का, और अभी हुई है 10:30। अभी अपने लोगों की एंट्री नहीं है, सिर्फ जो जैन समाज के लोग हैं वो अभी जा सकते हैं, पूजा अर्चना वगैरह होती है। तो अपन आधा घंटा यहाँ पे टाइम पास करते हैं, मार्केट में थोड़ा घूमते हैं, देख के तो जाएंगे आज मंदिर है भाई। भाई साहब देलवाड़ा के जैन मंदिर देख के आ गए दोनों भाई, तुम बताओ। एक्सपीरियंस इज ऑसम, एक्सपीरियंस वाज वेरी ऑसम सच में। इतनी बढ़िया कार्विंग करी हुई है और 1000 साल पुराना मंदिर है। 1000 साल पुराना मंदिर है, और जो दीवारों पे और ऊपर छत के नीचे की साइड में जो है ना कलाकृति करी हुई है ना, मतलब जो ये क्या बोलते हैं उसको यार, वो झूमर, झूमर के आकृति जैसा है ना, मार्बल जो है ना सफ़ेद, उस पर जो कलाकृति करी हुई है ज़बरदस्त है। कार्विंग अच्छी करी हुई है। और एक ख़ास बात और है, एक यहाँ पे कल्प वृक्ष के जो बना हुआ है, कल्प वृक्ष की आकृति बनी हुई है, हाँ। उसके नीचे कोई भी मन्नत मांगने से वो पूर्ण होती है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। यहाँ मंदिर में आए तो एक कल्प वृक्ष की आकृति बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे भी है, और एक अपने रणकपुर का जैन मंदिर है ना, वहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो वो चीज़ आप जरूर देख। पर ये 1000 साल पुरानी है, ये 1000 साल पुरानी है, और ये था मंदिर। अब अपन चलते हैं आगे। एक दोस्तों मैंने पिछले 3 दिन से आपको ये द्वार जरूर बताया होगा, तो अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये, सोमनाथ महादेव मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह है। अंदर चलते हैं, अपन अंदर से आपको बताते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है, मंदिर बना हुआ प्यारा सा, और नज़ारा देखो यहाँ से कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और पेड़ पौधे, ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। आई थिंक दोस्तों ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा माउंट आबू के अंदर, और उसके बाद में हम निकलेंगे। ये देखो ये अंदर से ऐसा कुछ है, और यहाँ पे भी एक बढ़िया छोटा सा तालाब है, वो भी देखने लायक है, अभी दिखाएंगे आपको। सरोवर देखो, मस्त जगह है वो भी। कुछ नहीं है, देखो ये है अंदर से मंदिर, ऊपर से कुछ ऐसा, अंदर से कुछ ऐसा है। ये है ऊपर देखो, दीवारों पे बनी हुई मस्त कलाकृतियाँ, भगवान मतलब मूर्तियाँ बनी है भगवान की, ठीक है। और आपको आपकी तरफ दिख रही है पानी की पाइपलाइन, आपकी तरफ दिख रही है। अभी दोनों आप इस तरफ आ जाओ, आप तीनों उस एंगल में चले जाओ, उस एंगल में चले जाओ। यही मैं बताने वाला हूँ, शिवलिंग सामने, हमारे सामने दिख रही है। इधर आ जाओ, ये देखो अब किधर दिख रही है। देखो दोस्तों मैंने इसका बताया था, इसी का मैं भूल गया था, मेरे को याद आया, गाइड ने बताया, यहाँ पे गाइड थे। ये देखो शिवलिंग में जब जलाभिषेक करते हैं ना, तो इसका जो पानी वो आता है ना, जो पानी, तो वो देखो अभी नीचे वाला मुंह अपनी तरफ है। अब जैसे जैसे घूमेंगे ना, ये देखो, ये देखो उसका मुंह, ये मुंह अपनी तरफ आ गया। ऐसे घूमेंगे ना, ये देखो साथ साथ में घूम रहा है, अभी जस्ट आप सामने। गजब, 1995 में ये बनाई थी शायद, बैठ रहे। ये देखो है ना अद्भुत। और ये मंदिर यहाँ पे सोमनाथ जी का, ये देखो दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर, और इसके जस्ट पास में है ना ये एक सरोवर है प्यारा सा। तो इस मंदिर को पूरा कहते हैं संत सरोवर मंदिर, क्योंकि 1000 साल पहले इस मंदिर में पहले जो संत यहाँ पे रहते थे वो पूजा अर्चना करके, माफ़ कीजिएगा, संत यहाँ पे 1000 साल पहले जब रहते थे तो यहाँ पे नहा धो के फिर अंदर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, इसलिए इस पूरे मंदिर प्रांगण को क्या कहते हैं, संत सरोवर मंदिर। बढ़िया चीज़ है। अब ऑलमोस्ट हमारे माउंट आबू के अंदर सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, और 3 दिन बिताए आराम से, अब निकलने की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अपने होटल, वहाँ पर अपना सामान है उसको उठाते हैं, और फिर माउंट आबू से आबू रोड की तरफ नीचे उतरते हैं। चलिए चलते हैं।
फाइनली भाई सर हमने सारा कुछ सेट कर दिया है, हमारे पास बढ़िया रेन कोट पहन लिया, अपनी गाड़ी पड़ी है, अब निकलते हैं भैया। अब रिकॉर्ड तो क्या करेंगे, अभी यार बारिश भी आ रही है तो कंटिन्यूसली धीरे धीरे आराम से निकलेंगे, फिर रास्ते में कहीं मौका मिलता तो आपको बताते हैं जर्नी के बारे में। दोस्तों माउंट आबू से निकले हुए 4 घंटे हो गए लगभग, और अभी पाली पहुंचने वाले हैं। पाली लगभग 30 किलोमीटर है, और मौसम में देखो यार रात दिन का अंतर है, रात दिन का सच में। वहां पे इतना मन लग रहा था, ऐसे मन कर रहा है कि वापस मुड़ के उधर चले जाए यार सच में। नॉन स्टॉप आया है सच में, नॉन स्टॉप, सिर्फ एक पेट्रोल भरवाने के लिए और ड्राइवर एक्सचेंज करने के लिए अपन ने गाड़ी रोकी थी। बाकी भाई साहब पिछवाड़े की तो हालत ख़राब हो चुकी है। अभी बढ़िया यहाँ पे पहुँचे होटल पे, और गाड़ी ठंडी करनी थी, छोटी गाड़ी ठंडी कर देते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता कुछ कर लेते हैं यार, 4 घंटे हो गए बराबर। दोस्तों फाइनली अपने जोधपुर के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, और अभी रुके हैं ओम बना के चोटीला धाम पे। जब हम लोग यहाँ से निकले थे तब रुके नहीं थे, हम बोल के गए थे भगवान हमारी यात्रा एकदम सफल मंगलमय करवा देना, वापस आते टाइम आपके दोग जरूर लगा जाएंगे। तो अभी आए हैं, रुके हैं, दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं। दोस्तों देखो प्यारा सा चोटीला धाम, ओम बना जी का स्थान, आपको भी ओम बना के दर्शन करवाते हैं। देखो ये देखो दोस्तों वो बुलेट है जिनसे ओम बना जी का एक्सीडेंट हुआ था, और ये इसकी भी एक कहानी है, तो वो भी आप YouTube पे जाके देख सकते हो। बाकी ये है कुछ ऐसा ओम बना जी का धाम, चलो हो गए अपना दर्शन अच्छे से, अब चलते हैं। तो फाइनली भैया अपने घर पे पहुंच गए, चाय और ये अपना घर। लगभग 6.5 घंटे का सफ़र रहा और बहुत ही मज़ेदार रहा, माउंट आबू की बहुत सारी यादें आपको व्लॉग के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।